हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज शिवानी गौड़ एंड वेलकम टू डीप एक्सप्लेनेशन। तो आज हम क्वेश्चन एक क्वेश्चन पर डिस्कस करने वाले हैं। तो ये है, ए फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्रीज ऑफ ए स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर इन 40 सेकेंड। व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर एट द एंड ऑफ 2 मिनट्स 20 सेकेंड फ्रॉम हिज इनिशियल पोजिशन। ठीक है, तो हमारा क्या है, एक स्क्वायर फील्ड लिया हमने, उसकी जो साइड्स हैं वो 10 मीटर हैं और ये फॉर्मर है, ये कवर करता है इनकी साइड्स को, ये स्क्वायर फील्ड को ये कवर करता है 40 सेकेंड में। ठीक है, तो हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है इनिशियल पोजीशन से। ठीक है, तो इसकी पर साइड जो कितनी है, 10 मीटर, ये 10 मीटर तो ये भी 10 मीटर होगा, देन ये 10 मीटर है तो ये भी 10 मीटर होगा क्योंकि स्क्वायर है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा हमारा, वो होगा हमारा, क्योंकि हम शॉर्टेस्ट पाथ लेते हैं ना डिस्प्लेसमेंट में, तो ये हमारा होगा क्योंकि सबसे शॉर्टेस्ट पाथ ये होगा। ठीक है, तो हम निकालते हैं 2 मिनट 20 सेकेंड, तो हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे सेकेंड्स में। हम सब जानते हैं कि 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, तो 2 मिनट में कितने होंगे, 2 मिनट्स में कितने सेकेंड्स होंगे, 120, 60 प्लस 60। ठीक है, प्लस हमारे हैं 20 सेकेंड्स एक्स्ट्रा, तो ये हमारे कितना हो गया, ये हमारा हो गया 140 सेकेंड्स। क्लियर, अब हम निकालते हैं ना वन राउंड, ये कंप्लीट करते हैं 40 सेकेंड में। ठीक है, तो वन राउंड ठीक 40 मीटर इन 40 सेकेंड। ओके, तो ये वन राउंड क्लियर करते हैं कितने में, 40 सेकेंड्स में, 40 मीटर का वन राउंड। ठीक है, तो हमारा 40 सेकेंड वन राउंड, 40 सेकेंड में वन राउंड होगा, देन हम इसमें 40 और ऐड करेंगे तो हमारा कितना हो गया, 80 सेकेंड, और 80 सेकेंड में हमारा होगा 2 राउंड कंप्लीट। क्लियर, एंड 40 और ऐड करेंगे तो हमारा कितना हो गया, 120, सेकेंड में ये हम क्रॉस करेंगे 3 राउंड्स। ओके, एंड हमारी जो मिनट्स सेकंड्स हैं वो हमारे हैं 140, तो हम इसमें हाफ तो ले पाएंगे क्योंकि 120 हमारा क्लियर हो चुका है, 120 में हम क्लियर है कि हमारे 3 राउंड कंप्लीट होते हैं। अब हमारे हैं सेकंड है 140, तो हम इसके हाफ ले पाएंगे, तभी तो हम, अगर हम इसके हाफ लेंगे तो हम 140 सेकंड में हमारा कितना क्लियर होगा, 140 सेकंड में हमारा क्लियर होगा 3.5 राउंड्स, क्योंकि इसके लिए आधा ही चक्कर लगा पाएगा ना। ठीक है, ये हमारा क्लियर हो गया कि हमने 2 मिनट्स में इतने सेकेंड्स हैं हमारे। ठीक है, और उतने सेकेंड्स में उन्होंने कितने राउंड मारे हैं। ठीक, अब हमने निकाला डिस्प्लेसमेंट, तो हमारा ये डिस्प्लेसमेंट दिखाई दे रहा है आपको, तो आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा कि ये पाइथागोरस प्रमेय लग रही है, हमारा यहाँ पे त्रिकोण बन रहा है। ठीक है, एक ट्राइंगल दिखाई दे रहा है आपको, तो ये है हमारा बेस, देन ये है हमारा परपेंडिकुलर और ये है हमारा हाइपोटेनियस। तो लगाते हैं फॉर्मूला और करते हैं इसको सॉल्व, तो ये है हाइपोटेनियस स्क्वायर प्लस इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा बेस कितना है, 10 मीटर। ठीक, 10 मीटर लेते हैं, 10 का स्क्वायर, एंड हमारा परपेंडिकुलर कितना है हमारा, एंड बेस हमारा कितना है, 10 मीटर, आल्सो 10 मीटर। हाइपोटेन्यूस हमें निकालना है, तो हमारा हो गया 100। ठीक है, हो गया 200। ठीक, तो इसका रूट करेंगे हाइपोटेन्यूस निकालने के लिए, देन रूट 200
तो हमारा ये आ जाएगा 10 into √2। ठीक है, तो ये हमारा आ गया डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? हमने पहले क्या करा, हमने ग्राफ हमने एक ड्रॉ किया स्क्वायर फील्ड, ठीक है, उसके 10-10 मीटर्स बना लिए और हमने डिस्प्लेसमेंट को पता किया डिस्प्लेसमेंट कहाँ है। देन हमने 2 मिनट 20 सेकंड्स को देखा, उसको हमने सेकंड में कन्वर्ट कर लिया। फिर हमने देखा कि 140 सेकंड्स में कितने राउंड्स हम लगा सकते हैं, फिर हमने उसके राउंड्स निकाल लिए, तो हमारे 140 सेकंड में हमारे कितने राउंड आए, 3.5 राउंड्स आए। ठीक है, उन्होंने पूछा कितने राउंड्स लगा सकते हैं, तो हमने बता दिया कि 3.5 राउंड्स लगा सकते हैं, ठीक, 140 सेकंड में। देन हमने निकाला डिस्प्लेसमेंट जो कि पूछा था, तो हमने इसे डिस्प्लेसमेंट निकाल दिया और ये आ गया हमारा 10 into √2 डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।